नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का 21 जून 2023 की राशिफल में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:23 पर, सूर्यास्त होगा 7:20 पर, नक्षत्र है पुष्य, तिथि है शुक्ल पक्ष तृतीया, योग है व्याघात, वार बुधवार, चंद्र राशि कर्क। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं, अमृत काल है 6:13 पीएम से 8 बजे तक और राहु काल है 12:22 पीएम से 2:06 पीएम तक। आज जिनका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से आज के राशिफल का। मेष राशि, आपको आपकी माता जी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आप अपने घर की जरूरतों का सामान खरीद पाएंगे। परिवार के साथ घूमने फिरने, पिकनिक मनाने, समय बिताने का मौका मिलेगा। अतिरिक्त कार्य निर्माण घर पर हो सकता है। घर की साज सजावट पर पैसा खर्च होगा। पारिवारिक लोगों से मुलाकात होगी। वृषभ राशि, संघर्ष है, परेशानियां हैं, तनाव है, थकान है, मानसिक पीड़ा है, जुबान में चिड़चिड़ापन है आज के दिन में। अविश्वास होगा हर एक काम में। जो भी काम करने लगेंगे उसके लिए डबल मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। सफलता के लिए मेहनत खूब करनी पड़ेगी। पैसा भी खूब मेहनत से आएगा। कड़ी मेहनत के बाद ही कुछ हासिल होगा। अच्छे परिणाम चाहिए तो मेहनत करिए। मिथुन राशि, संघर्ष का दिन है, तनाव और थकान का दिन है, छोटे भाई बहनों से तू तू मैं का दिन है। किसी काम में मन न लगना, अचानक से मन कहीं और चला जाना, किसी से छोटी मोटी बहस हो जाना, अपने साथ के लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसा संभव है। पैसा खूब आएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और सही दिमाग आपके बुरे प्रभावों को खत्म कर सकता है। तो सकारात्मक सोच से आगे बढ़िएगा तो पैसे में भी मदद मिलेगी, प्रेम में भी मदद मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा। कर्क राशि, आज आप परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। किसी सामाजिक लोगों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक पक्ष संतुष्ट रहेगा। परिवार के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। अपनी वाणी से दूसरों का दिल जीत लेंगे। कुछ शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हैं लेकिन जल्द घर वापस आ जाएंगे। आपको विभिन्न रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। सिंह राशि, आज का दिन थोड़ा दिक्कत भरा है, अपव्यय और उदासी को दिखा रहा है। छोटी मोटी परेशानियां हर एक काम में बनी रहेंगी। धैर्य धारण रखें। सभी समस्याओं के निदान हेतु भगवान चंद्रमा का ध्यान करें। प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी दूसरे का ध्यान रखें। कन्या राशि, आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है। मुश्किल घड़ी में आज का किया हुआ निवेश आपको सहायता प्रदान करेगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। कुछ लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं। उनका स्वागत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेहमानों की सेवा फलेगी आपको। स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा भाग दौड़ परेशानी दे सकती है। तुला राशि, एक अच्छा दिन है। निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से समाज में कुछ अच्छे काम बनेंगे। कुछ पैसा भी आप कमा सकते हैं। अतिरिक्त रास्तों से धन आगमन के कुछ नए रास्ते मिलेंगे। प्रसन्नतादायक दिन रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। वृश्चिक राशि, आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होंगे। बच्चों का साथ और सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता देगा। प्रेम संबंध में दिन सौभाग्यदायक रहेंगे। जीवन साथी से लगाव रहेगा। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। धनु राशि, आज आप थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं। काम में रुकावटें आएंगी। गाड़ी वाहन ठीक से चलाइएगा। सट्टेबाजी में धन का निवेश किया जा सकता है। जीवन साथी से थोड़ा तू-तू मैं-मैं हो सकती है। घर में वाद विवाद की स्थिति रहेगी। आज का दिन प्रेम संबंध में भी अशुभ रहेगा। आपकी कमर के निचले हिस्से में तकलीफ की वजह से आप थोड़ा सा चैन से दिन नहीं बिता पाओगे। समस्याएं बढ़ेंगी। मकर राशि, अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा। व्यापारिक साझेदारी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले शुभ रहेंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति के योग हैं। आपके बच्चे साहसी होंगे। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अधिक प्रयास करेंगे तो और अच्छे नंबर आएंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कुंभ राशि, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। प्रेम संबंध ठीक रहेंगे। व्यापार ठीक रहेगा। कुछ आज बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं आपकी जिंदगी के। आप नौकरी में हैं तो आपका दिन ठीक ठाक बीतेगा। शेयर मार्केट सट्टेबाजी से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मीन राशि,
विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे, प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन अच्छा है, व्यापारी लोग व्यापार के लिए कुछ अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, नौकरी में दिन सामान्य है, सट्टेबाजी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताकत बनी रहेगी, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। राशिफल जान लिया, अब बात करेंगे उपायों की। आप सभी का दिन बेहतर बीते ऐसी हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं। आप सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ें, सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुबह सोकर उठते ही ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें या गणेश जी का ध्यान करते हुए आप दिन का शुभारंभ करें। इससे आपका दिन शुभ रहेगा। आप किसी गणेश मंदिर में भी जाकर गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आज बुधवार का दिन है, आप जो भाई हैं वो अपनी बहन को कोई गिफ्ट वगैरह दे दें, बहन बेटी बुआ इनको गिफ्ट दें, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो हिजड़े होते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको कुछ हरी रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र वगैरह भी दान दे सकते हैं। आप चाहें तो रात में हरे मूंग की दाल को भिगो के रखें और सुबह जो पक्षी होते हैं उनमें डालें, लेकिन ये जो घर के बाहर कहीं मैदान में दाल को डालें, भीगी हुई दाल को, तो बढ़िया रहेगा। आप चाहें तो मशरूम का दान भी किसी मंदिर में आज के दिन कर सकते हैं, एक मिट्टी का बर्तन लें उसमें मशरूम भर कर इसका दान भी आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से बुधवार का दिन बहुत बेहतरीन हो सकता है और आपको शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई भी उपाय अगर आप अपनी जन्म कुंडली को दिखा कर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये सामान्य उपाय हैं, इनका रिजल्ट किसी को बेहतर, किसी को बहुत बेहतर और किसी को बहुत कम भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए जन्म कुंडली की जांच कराना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों की हमेशा पत्नी से तू तू मैं होती रहती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कुंडली में, लेकिन एक कारण की हम यहाँ पर बात करेंगे। किन लोगों की पत्नी से तू तू मैं या कहें गर्मा गर्मी होती रहती है वक्त वक्त पर। ये कुंडली आपके सामने है, इस कुंडली में देखिए मंगल जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब मंगल सप्तम भाव में जब भी बैठेंगे तो पति की पत्नी से तू तू मैं होती रहेगी, रिश्ते में गलत फहमियाँ बढ़ती रहेंगी, अनावश्यक तर्क वितर्क गर्मा गर्मी रहेगी, गर्मजोशी रहेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे। मंगल के ऊपर कितने खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या मंगल का संबंध खराब ग्रहों से हो रहा है, ये भी निर्भर करेगा कि गर्मा गर्मी किस लेवल की होगी। तो अगर आपकी भी कुंडली में मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो आप उसका ध्यान रखें, मंगल का उसको शांत करें, अपने क्रोध को शांत करें और अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर सही उपाय करें। नमस्कार।